राहुल गांधी जब से नेता प्रतिपक्ष बने हैं तब से वो लगातार सुर्खियों में नजर आ रहे हैं। ऐसे में उनका गुजरात दौरा था कई मायनों में महत्वपूर्ण रहा। राहुल गांधी ने इस दौरान बीजेपी पर भी निशाना साधा। जवाब में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह ने राहुल गांधी पर पलटवार किया है। जब से राहुल गांधी हुई है तब से सुर्खियों में बने रहते हैं। ऐसे में आज गुजरात दौरे पे हम गुजरात में काफी मुद्दों पे उन्होंने केंद्र सरकार पे निशाना साधा है। कहा है कि जिस तरह से हमारा कार्यालय तोड़ा है उसी तरह से मोदी सरकार को घुटने टेकने पड़ेंगे। इससे क्या देखिए कार्यालय टूटा नहीं, लोगों का गुस्सा था। लोगों ने उनके जो बैनर पोस्टर लगे उस पर अपने पोस्टर जो इन्होंने हिंदू विरोधी बयान दिया जो उन्होंने कहा कि हिंदू हिंसक है उसको उसकी नाराजगी वहाँ पे प्रकट करी है। कार्यालय वगैरह को तोड़ा ठीक है, लोगों को गुस्सा है और उस पर सरकार वहाँ की सरकार जिन लोगों ने ये किया उस पर कार्रवाई कर रही है, परंतु उसमें राजनीति जोड़ने परंतु मूल बात पे उत्तर नहीं देते क्या देश का हिंदू हिंसक है, इन्होंने ऐसा क्यों कहा इसका जवाब। राहुल गांधी ने ये भी कहा है कि मोदी जी को पता था कि अयोध्या हार जाएंगे इसलिए उन्होंने वाराणसी से चुनाव। मोदी जी पिछले 3 बार से वाराणसी से चुनाव लड़ते हैं। अयोध्या में हम हारे ठीक है परंतु अयोध्या से नहीं फैजाबाद से हारे, वो सीट का नाम फैजाबाद है, उसमें जो अयोध्या कॉन्स्टिट्यूंसी है जो असेंबली कॉन्स्टिट्यू हम चुनाव जीते हैं, परंतु तो उसको राजनीति करनी है। जो मूल बात के बात करें कि वह 3 बार से कोशिश करने के बाद भी देश की जनता ने उनको विपक्ष में क्यों बैठाया उसकी बात करें, वो ये बताएं कि 3 बार का उनका टोटल टैली कर लें पूरा, तब भी भाजपा की टैली से कम है। इस बारे में चर्चा नहीं करते, तो इस बारे में चर्चा नहीं करते कि सिर्फ यूपी छोड़ दें, ये तो देश में बाकी जगहों पर उनका सूखा साफ हो गया। देश में आज कुछ राज्य ऐसे जहाँ पर उनका नाम लेवा नहीं है, तो उसकी चर्चा चिंता करें, वनस्पति की अयोध्या की चर्चा है। वो समय क्या कि हर चीज में आजकल धर्म की बात करते हैं और जानकर वह हिंदू जो चिन्ह है उन पर चढ़ाते हैं। देखिए वो अब तो वीडियो आगे हैं जिसमें अपने लोग जिसे कहते हैं थिएटर कंपनी के लोग अपने ड्रामा कंपनी के लोग वहाँ ले गए, नोनो कैमरा ले गए अपने साथ और वहाँ जाकर वीडियो बनाना सब करना, दिखता है कि किस प्रकार नौटंकी करें। हम कहते हैं सामाजिक विषयों पर काम करें, उनको उठाएं अच्छी बात है, परंतु नौटंकी मत करें थिएटर में। 15 जुलाई तक देखिए ये कोर्ट का काम है, अब कोर्ट के आदेश को सबको मान्य करना पड़ेगा। कोर्ट के सामने जो तथ्य है उसके अनुसार कोर्ट काम कर रही है। जब बेल मिलती है तो बड़े खुश होते हैं, पटाखे जलाते हैं। जब कोर्ट अन्यथा कुछ काम करता है तो उस पर ये कोर्ट पे नाराजगी जताते हैं कि कोर्ट बिका हुआ है, कोर्ट ठीक नहीं कर रहा। तो क्या कि उनको अगर कुछ विषय है तो उनको कोर्ट में जाना चाहिए और कोर्ट का जो फैसला होगा वो सबको मान्य होगा।